हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये लेस हमने बनाई है दो कलर में, बहुत ही सुंदर लेस बनी है। और इसको हमने ट्राउज़र के ऊपर मैंने इसको लगाना है, जो पैंट प्लाजो हम बनाते हैं, जो पैंट वाला ट्राउज़र बनता है लेडीज़, तो उसके ऊपर, उसकी मोहरी के ऊपर से हमने इसको यूज़ करना है। तो आप इसको जिस कलर में आपकी कुर्ती है उस कलर में और ट्राउज़र के कलर में, दोनों में मिक्स करके आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगेगा और नया डिज़ाइन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे बनाए हुए डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे डाले हुए डिज़ाइन देख सकते हो। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ ही एक बेल आती है, तो बेल को भी आप प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसको आप जब बनाएंगे तो आप इसको नाप के बनाएं जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है। मैंने ये आपके डिज़ाइन की वजह से इतना ही इसको बनाया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये लगा है और देखने में ये देखिए जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही ये आसान भी है। और इसको बनाने के लिए मैंने ये 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। ये देखिए 11 नंबर का क्रोशिया है, क्योंकि ऊन बारीक है तो बारीक ऊन में हम बारीक ही क्रोशिया का यूज़ करते हैं। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा डिज़ाइन है। और आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे पुरानी वीडियो भी आप देखिए, तो उसमें भी आपको काफ़ी वीडियो ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे। जो नए सब्सक्राइबर हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे डाले हुए डिज़ाइन ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट करने से बहुत हौसला मिलता है, बड़ा मन होता है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। लाइक करते हो तो लाइक करने से, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट तो खैर आप लोग करते हो, लेकिन कमेंट भी कुछ ही लोग करते हैं। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट भी कम आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। वैसे मैंने इसको ट्राउज़र की मोहरी के ऊपर ही लगाना है, लेकिन अगर आप इसको दुपट्टे के किनारे पे भी लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और कमीज़ का जो दामन होता है आगे से पल्लू, उसमें लगाएं, बाजू में लगाएं। ये देखिए, या आप इसको जो तोरण होती है उसकी पट्टी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। और कॉटन, जो कॉटन होल्डर हम बनाते हैं तो अक्सर हम कॉटन के ऊपर की तरफ भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगेगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मेरे साथ आप अपने बनाए हुए डिज़ाइन शेयर किया कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि देखते हैं कितने लोग डिज़ाइन बनाते हैं और सीखा है कितने लोगों ने। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर चार चैन बनानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मिलाकर हमने चार चैन बनाई है। अब हम यहाँ पर दो बार धागा लपेटेंगे और इस लास्ट वाली चैन के अंदर हमें क्रोशिया डालना है और दो दो करके हम यहाँ पर निकाल देते हैं इसको। ऐसे करके निकाला, फिर दो बार और फिर दो बार। देखिए, यहाँ पर हमने तीन चैन बनानी है, एक दो तीन। इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, तो ये दो हमारे पास में डबल क्रोशिया हो गया है, एक चैन बनाई है और एक डबल क्रोशिया बनाया है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाया है। देखिए, यहाँ हमने क्रोशिया डालेंगे और इसके अंदर हमने ऐसे करके स्लिप नॉट लगानी है। तो यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, इसको हमने घुमाना है और ये देखिए, इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया इस चैन के अंदर बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर नौ डबल क्रोशिया बनाया है, तो नौ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है। आठ और एक नौ, नौ सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया है। अब देखिए, फिर हमसे हमने यहाँ चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार। दो बार हम इसमें धागा लपेटेंगे और यहाँ पर ऐसे करके हमने ये थ्रेड उठाने हैं, दो दो थ्रेड हम उठाएंगे और इसके अंदर हमने दो दो करके इसको निकाल देना है। दो फिर दो फिर दो,
फिर चार हमने यहाँ चैन बनानी है, एक दो तीन, सॉरी तीन चैन हम यहाँ बनाएंगे और इसके अंदर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया है। अब आप देखिए, एक बार हमने डबल क्रोशिया इस साइड बनाया है, एक बार हमारा डबल क्रोशिया इस साइड आया है। अब हम इस चैन के अंदर जो हमने चैन बनाई थी, यहाँ पर हमने क्रोशिया डालकर और इसके अंदर एक स्लिप नोट से हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। फिर हम यहाँ एक चैन बनाएंगे और इसको हमने घुमाना है और इसके ऊपर से हमने हर एक चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको आगे ले जाना है। देखिए ऐसे करके हम इसको हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाया है, तो 9 ही चैन हमने यहाँ पर सिंगल बनानी है। देखिए यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब फिर हम यहाँ पर चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, दो बार हमने धागा लपेटना है क्रोशिये के ऊपर। और ये देखें, यहाँ ये दो थ्रेड हमने उठाने हैं और इसके अंदर हम दो दो करके हमने ये क्रोशिया यहाँ पर निकाल देना है। दो दो करके हमने इसको निकाला है, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसके अंदर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करके हमने इसको जितनी भी आपने इसकी लेंथ बनानी है उतना आप इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, ये डिजाइन हमने इतना बना दिया है। अब हमने इसमें दूसरे कलर का धागा यूज करना है, तो दूसरे कलर का धागा मैं इसमें लगा लेती हूँ। हमने अब एक डिजाइन में इस साइड बनाना है। अब हमने इसमें इस कलर ये धागा लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये दो थ्रेड हमारे पास में है, इसको हम उठाएंगे और ये यहाँ पर हमने तीन चैन बनानी है, दो बार धागा लपेटेंगे क्रोशिये के ऊपर, इसके अंदर यहाँ पर हमने इसको डालना है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन चैन बनाई, इसके अंदर ऐसे करके फिर एक चैन बनाएंगे, दो बार धागा लपेटेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, सॉरी एक चैन बनाएंगे, फिर दो बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर क्रोशिया डालकर दो दो करके हमने इसको निकाल देना है। एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, इसके अंदर ऐसे क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट से इसको बंद कर दें। एक चैन बनाएंगे, एक दो, फिर इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, स्लिप नॉट से बंद करेंगे, एक चैन बनाएंगे, एक दो बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ, छह बार हमने इसको बनाना है। एक दो तीन क्रोशिया डालेंगे इसके, फिर अब हमने इसमें यहाँ पर तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे,
एक दो तीन, एक दो तीन चार, और चौथी यहां पर। इसके अंदर हमने यहां से क्रोशिया डालना है, ये देखिए बैक साइड से क्रोशिया डालकर इसको हम यहां से उठाएंगे और इसको स्लिप नॉट से बंद करेंगे। फिर तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, एक दो, फिर इसके अंदर क्रोशिया डालना है। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, स्लिप नॉट से बंद करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर दो बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर एक दो तीन, एक दो तीन, फिर एक चैन बनाएंगे, दो बार धागा लपेटेंगे, ऐसे करके कंटिन्यू हमने इसको ऐसे ही बनाना है। एक दो तीन, एक चैन बनाएंगे, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, स्लिप नॉट से बंद करेंगे, एक चैन बनाएंगे, एक दो, देखिए एक दो तीन, तीन बार हम इसको निकालते हैं। ऐसे करके हमने इसको कंटिन्यू बनाना है। देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। ऐसे करके डिज़ाइन हमने बनाना है। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ एक चैन बनाई और एक चैन बनाने के बाद इसके अंदर, यहाँ पर देखिए आप टॉप में हमने इसके अंदर क्रोशिया डालकर इसको स्लिप नॉट से यहाँ बंद करेंगे। तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, फिर इसके बाद तीन चैन बनाई हमने और यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ बैक साइड से इसके अंदर क्रोशिया डालना है हमने। यहाँ पर क्रोशिया डालकर हम इसको स्लिप नॉट से बंद करेंगे और चार सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर, चार सॉरी चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर लिया है, एक दो तीन चार, फिर ये एक दो तीन चार, चार हमने इस साइड छोड़ा है। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे इसके अंदर, ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर डिज़ाइन ये बना दिया है, एक दो तीन, इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहीं पर हमने इसको स्लिप नॉट से बंद कर देना है। फिर एक चैन बनाएंगे, दो बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर 6 बार हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है, एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर क्रोशिया डालकर ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाना है। एक दो तीन, फिर एक चैन बनाएंगे। ऐसे करके हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनेगा। ये मैं आपको बीच बीच में इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आप बनाते हो और एकदम से उसको मतलब क्लोज कर देते हो, लेकिन मैं तो बीच बीच में आपको फिर भी दिखाती रहती हूँ और काफ़ी कोशिश मेरी ये रहती है कि आप अच्छे से उसको समझ जाएं, जो भी डिज़ाइन है आप अच्छे से समझें। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो को अच्छे से आप लोग समझें और सीखें। मेरी मेहनत तभी वसूल होगी जब आप लोग कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीखें। तो ये देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये रो मैं पूरी यहाँ तक बना लेती हूँ।
ये देखिए लेस बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर लेस बनी है। आप इसका यूज अपने ट्राउजर या कुर्ती के ऊपर करेंगे तो बहुत ही सुंदर ये लगेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।